हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट डॉक्टर संतोष पांडे आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और ये आशा करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे। आज गुरु पूर्णिमा का दिन, आप सारे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बहुत ही शानदार स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। वो स्टोरी मुझे ध्यान आई तो मैंने लगा क्यों ना आपसे शेयर करूं। एक गुरुकुल में एक शिष्य हुआ करते थे, गुरुजी के बड़े भक्त हुआ करते थे। गुरुजी उनकी भक्ति से, अनन्य भक्ति से खुश होकर के उनको एक आशीर्वाद प्रदान किया और उनको एक ऐसा गिफ्ट दिया, एक चमत्कारिक गिफ्ट दिए। वो गिफ्ट था एक दर्पण, यू नो दर्पण मिरर। वो गिफ्ट था मिरर, एक दर्पण था। उन्होंने कहा कि इस दर्पण को लेके आप जिस किसी के सामने भी जाओगे, उसके अंदर की चल रही भावनाओं को वो दर्पण आपको बता देगा। ध्यान समझिएगा, दर्पण को जैसे ही आप उसके सामने करोगे, वो दर्पण उसके अंतरात्मा में जो चीजें चल रही होंगी उसको बता देगा। शिष्य बड़ा खुश हुआ और उस दर्पण का इम्तिहान लेने के लिए, उस दर्पण को चेक करने के लिए सबसे पहले उसने अपने गुरु की तरफ ही उस दर्पण को रिटर्न कर दिया, मोड़ दिया। और जैसे ही दर्पण को वो गुरु जी की तरफ मोड़ता है, वो देखता है कि वो हैरान हो जाता है कि गुरु जी के अंदर द्वेष भावना, क्रोध, लोभ, ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो कभी जीवन में सोचा भी नहीं था गुरुजी के अंदर ये सारी चीजें होंगी। और वो बड़ा नाखुश होकर के, बड़ा हताश होकर के वो दर्पण को लेकर के निकल देता है, बड़ा परेशान। जैसे ही वो यहां से निकलता है, गुरुकुल से निकलता है और वो कई अलग अलग लोगों के पास जाता है और सबसे पहले वो लोगों को सामने दर्पण को रखता है और सबके अंदर कुछ ना कुछ द्वेष, कुछ ना कुछ क्रोध, किसी के अंदर अलग अलग प्रकार की ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, ढेर सारी दुर्भावनाओं को वो देखता है। और लास्ट में जाते जाते रास्ते में पहुंचते हुए वो अपने घर पहुंचता है और अपने घर पहुंच करके वो सबसे पहले अपने मम्मी पापा के पास सोचता है कि मैं चेक करता हूं। और जब वो चेक करता है तो ये पाता है, क्योंकि उनके मम्मी और उनके पापा की समाज में बहुत इज्जत थी, बहुत वैल्यू थी, बहुत सम्मान था, बहुत रेपुटेड थे उस समाज के। जैसे वो अपने मम्मी की तरफ करता है, वो देखता है उनके अंदर भी बहुत सारी दुर्भावनाएं हैं जो उनके मन के अंदर हैं। पिताजी की तरफ भी देखता है और वो बहुत परेशान होता है। परेशान होने के बाद भागा 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 गुरुजी के पास जाता है और वो बड़ा ही इरिटेटेड होके जाता है गुरुजी के पास, बहुत इरिटेटेड होके जाता है। और जब गुरुजी के पास जाता है तो वो देखता है कि गुरुजी वहां पे हैं और गुरुजी उसके भावनाओं को देख करके, उसके फेस को, एक्सप्रेशन को देख करके गुरुजी समझ चुके होते हैं कि इसके अंदर क्या भावना चल रही है। गुरुजी से पूछते हैं, बस बोलो क्या हुआ। उसने बोला, गुरुजी जो आपने दर्पण दिया था, पहले तो मैं आपसे बोलना नहीं चाहता था, बट मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्रोध है, बहुत लोभ है, माया है, बहुत सारी भावनाओं से आप ग्रसित हैं जो आपके अंदर नहीं होना चाहिए। फिर वो बताता है कि मैं अपने मम्मी पापा के पास भी गया, सबके पास देखा और गुरुजी मैं बहुत परेशान हो गया इस देश की व्यवस्था को देख करके, देश के लोगों को दुर्व्यवहार को देख करके, दो चेहरा देख करके, ये बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है, ये सारी चीज़ों को देख करके बहुत परेशान हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे जिंदगी होगी, ऐसे लोग होंगे, ऐसे मेरे माँ बाप होंगे, ऐसे आप होंगे। गुरुजी बहुत परेशान हो गया। गुरुजी ने वत्स को बोला, वत्स एक मिनट मेरी बात सुनना। और वो मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज था, इस बात को बहुत ही ध्यान समझिएगा। गुरुजी ने कहा, वत्स ये मैंने दुनिया को देखने के लिए नहीं दिया था, ये जो मिरर है, ये जो दर्पण है, मैंने तुमको देखने के लिए दिया था कि तुम गुरुकुल से अपनी सारी शिक्षा को कंप्लीट करके निकल रहे हो। अब आपके अंदर जो बचे हुए दुर्गुण हैं उसको कैसे दूर करना है, ये दर्पण जो है जब आप अपने तरफ देखते हो तो आपके सारे दुर्गुण को वो बताता है। स्टोरी का जो अंत है वो ये है कि गुरुजी ने बताया कि वत्स ये मैंने दूसरों के दुर्गुण देखने के लिए नहीं, खुद के दुर्गुण को देखने के लिए मैंने आपको दिया है। सवाल ये है कि 99% हम मार्केट में जब निकलते हैं तो दूसरों के दुर्गुणों को देखते हैं, कभी भी हम अपनी बुरी आदतों को नहीं देखते, कभी भी हम अपने दुर्गुणों को नहीं देखते। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, दूसरों के हजारों अवगुण देखने से अच्छा है कि आप अपने अंदर के अवगुणों को देखिए और थोड़ा 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 करके इन अवगुणों को दूर करिए, तो आप एक बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे, बहुत ही सज्जन और बहुत ही कामयाब व्यक्ति बन सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया में कोई एक ऐसी चीज़ है जो आपको कामयाब होने से रोकती है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर छुपे हुए दुर्गुण हैं जो आपको रोक रहे हैं, आपको
आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपके जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स का जो जड़ है वो आपकी अंतरात्मा के अंदर, आपके अंदर छुपे हुए दुर्गुण हैं। तो प्लीज आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, इस कहानी का जो स्टोरी का जो मोरल है वो यही है कि दूसरों के दुर्गुणों को देखने से अच्छा है अपने अंदर झांक के देखें और उनको एक एक करके सही करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक बहुत ही छोटा सा स्वीट सा ये मेरा मैसेज आप लोगों के लिए है। इसको हो सके तो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही शेयर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।